अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गैरिजन की जानिब से पाकिस्तान प्रॉपर्टी न्यूज़। वज़ीर आज़म से अपनी मुलाकात के दौरान वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने शदीद बारिशों से शहर में 2807 ढांचों को पहुंचने वाले बड़े पैमाने पर नुकसानात पर तबादला ख्याल किया है। ये बात सामने लाई गई है कि सूबे में मानसून में मामूल से 396% ज़्यादा बारिश हुई है। इसके नतीजे में जानी नुकसान के साथ साथ बुनियादी ढांचे को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। तबाहशुदा ढांचे की तादाद बढ़कर 2807 तक पहुंच गई है। इसमें देही और शहरी इलाकों का रابطہ मुनकता करने वाले तकरीबन 388 किलोमीटर सड़कें भी शामिल हैं। इसके अलावा तकरीबन 15.547 मकानात को नुकसान पहुंचा है, जबकि तकरीबन 2807 मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। कराची वाटर बोर्ड की मलकियती 35 सीवरेज लाइनों को शदीद नुकसान पहुंचा, जिससे सीवरेज लाइनों के करीब रहने वाले लोगों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। 3 पुल भी गिर गए जो जिले गुरबी और मलीर में वाकिया थे। ABM कॉजवे और क्रॉसिंग कॉजवे समेत बड़ी सड़कें भी मुतासर हुई हैं। लिहाजा इस तेज़ी से बिगड़ती हुई सूरत हाल से निमटने के लिए नाले की तामीर का मशवरा दिया गया और मुनासिब फंड्स मुख्तस करने की दरख्वास्त भी दी गई है। इसी तरह की ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए देखते रहिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी।